Good morning to all. Welcome to online class. Today we shall discuss your 7th chapter, My Greatest Olympic Prize. बच्चों आज से आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 7, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, यानी मेरा महानतम, ग्रेटेस्ट माने महानतम ओलंपिक प्राइज, यानी ओलंपिक का इनाम. ओलंपिक के नाम से कुछ खेल होते हैं, उन खेलों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से इसमें एक जो खिलाड़ी है वो अपना इनाम जीतता है. ठीक, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हम चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या बताने की कोशिश की गई है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, यानी मेरा महानतम ओलंपिक का इनाम, ओलंपिक का पुरस्कार. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इट वॉज द समर ऑफ 1936. द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन बिकॉज एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स वर मेंबर्स ऑफ अ मास्टर रेस. नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई. मीन्स इट वॉज समर ऑफ 1936, यानी गर्मियों का मौसम था, 1936 में गर्मियों का समय था. द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन. बर्लिन एक शहर का नाम है. बर्लिन में जो है ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाले थे, यानी ओलंपिक जो खेल होते हैं वो शुरू होने वाले थे. ओलंपिक के अंदर बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, उनमें से ही एक खेल था लंबी कूद. बिकॉज माने क्योंकि एडोल्फ हिटलर एक व्यक्ति का नाम है. चाइल्डिशली यानी मूर्खतापूर्ण, इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना किसी बात पर. दैट हिज परफॉर्मेंस माने उसके खिलाड़ी वर मेंबर्स ऑफ मास्टर रेस, यानी मास्टर रेस का मतलब सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं. नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई, यानी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो उनमें बहुत ही ऊंची थी. मीन्स एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड, यानी जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने मूर्खतापूर्ण इस बात पर जोर दिया. किस बात पर? कि जो उसके खिलाड़ी हैं वन मेंबर्स ऑफ मास्टर रेस, उसके खिलाड़ी सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं. मास्टर रेस का मतलब होता है सबसे अच्छे रेसर हैं, सबसे अच्छी दौड़ लगाते हैं. नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई, यानी उनमें राष्ट्रीयता की भावना बहुत ही चरम सीमा पर थी. इसका मतलब है कि जो वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे, जर्मनी के रहने वाले थे और वो एडोल्फ हिटलर मानते थे कि जो मेरे खिलाड़ी हैं वो सबसे अच्छे हैं और वो ही जीतेंगे, और वो अपने देश को सबसे अच्छा देश मानते थे. I was not too worried about all this. I had trained, sweated and disciplined myself for 6 years with the games in mind. While I was going over on the boat, all I could think about was taking home one or two of those gold medals. I had my eyes especially on the long jump. A year before, I had set the world record of 26 feet 8.5 inches. Everyone expected me to win the Olympic event easily. Means, I was not too worried about all this. यानी मुझे इन सब की चिंता नहीं थी. किन सब की? कि जर्मनी के खिलाड़ी इतने अच्छे हैं या वो सब वो रेस जीतते हैं, मुझे इस बात की चिंता नहीं थी. इसमें जो लेखक है वो अपने बारे में बताता है, जिसके बारे में चैप्टर है ये. आई हैड ट्रेंड, यानी मैंने ट्रेनिंग की थी. स्वीटेड माने पसीना बहाना, कठिन परिश्रम करना. एंड डिसिप्लिन्ड मायसेल्फ फॉर 6 ईयर, यानी मैंने अपने आप को 6 साल से तैयार किया था. मैंने जो है प्रशिक्षण लिया, पसीना बहाया, कठिन परिश्रम किया. डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित रहा. ये मैं 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा था विद द गेम्स इन माइंड, अपने मन में खेलों को ध्यान में रखकर, यानी मेरे दिमाग में केवल जो मुझे गेम खेलना है वो मेरे दिमाग में था, उसी की प्रैक्टिस मैं 6 साल से कर रहा था.
आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, यानी जब मैं नाव से जा रहा था, बोट, बोट का मतलब नाव होता है, यानी जब मैं नाव से उस शहर में जा रहा था, ऑल आई कुड थिंक, मैं केवल सोच रहा था अबाउट वॉज टेकिंग होम, टेकिंग होम का मतलब घर लाने के लिए, वन और टू ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स, यानी मैं केवल ये सोच रहा था कि जब मैं खेलूंगा तो मैं अपने साथ वन और टू, एक या दो सोने के मेडल्स, जो इनाम होता है गोल्ड मेडल्स जो होते हैं, उन गोल्ड मेडल्स को मैं जीत कर वापिस लाऊंगा, मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था जब मैं वहां पर जा रहा था। आई हैड माई आईज स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, यानी मेरी जो दृष्टिकोण था, जो मेरी आंखें थी, वो खासकर लॉन्ग जंप पर थी। लॉन्ग जंप का मतलब लंबी छलांग लगाना, लंबी कूद करना, कि उसे लंबी कूद में जो है इनाम जीतना है। A year before, एक साल पहले, I had set the world record of 26 feet. मैंने 26 feet और 8.5 इंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, यानी मैं 26 फीट की छलांग मैंने लगाई थी, जो मेरा पिछले साल का रिकॉर्ड था। एवरीवन माने प्रत्येक, एक्सपेक्टेड माने प्रत्येक को मुझसे आशा थी टू विन द ओलंपिक इवेंट इजली, यानी प्रत्येक को मुझसे आशा थी कि मैं आसानी से ओलंपिक खेल को जीत लूंगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। I was in for a surprise when the time came for the long jump trials. I was started to see a tall boy hitting the pit as almost 26 feet on his practice leaps. He happened to be a German named Luglong. I was told that Hitler had kept him hidden away, evidently hoping he would win the jump. Means I was in for surprise. Surprise का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। मैं आश्चर्य में पड़ गया था। When माने जब, the time came for a long jump trials. यानी जब trials का समय आया। Trials का मतलब जब practice का समय आया, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया उस long jump को देखकर। I was started to see a tall boy hitting the pit as almost 26 feet on his practice leaps. I was started, यानी मैंने देखा एक tall boy, एक लंबा लड़का hitting the pit. Pit का मतलब होता है गड्ढा होता है, और वो स्थान होता है जिसे कूदना होता है। Hitting as almost 26 feet on his practice leaps, यानी एक लड़का जो लंबा है वो अपनी प्रैक्टिस में अभ्यास के दौरान 26 फीट कूद रहा है, यानी वो केवल अपने अभ्यास में ही 26 फीट कूद रहा है, तो वो आगे कितना कूदेगा, तो ये देखकर क्या हुआ, उसे आश्चर्य हो गया। He happened to be a German named Luglong, यानी उसका नाम Luglong था। जो व्यक्ति वहां पर लंबा व्यक्ति था, वो जर्मनी का एक Luglong नाम का व्यक्ति था, जो आसानी से छलांग लगा सकता था। I was told that Hitler had kept him hidden away. I was told, यानी मुझे बताया गया था, that माने कि Hitler, Hitler जो व्यक्ति था जिसके वो खिलाड़ी थे, had kept him hidden away, evidently hoping he would win the jump. यानी Hitler ने उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, Luglong को, इस उम्मीद के साथ छिपा रखा था कि ये जो है उस जंप को जीत लेगा। He would win the jump, यानी उस जंप को मतलब छलांग लगाना, उस जंप को जीत लेगा, ऐसी आशा हिटलर को थी। किससे थी? Luglong से थी। Now let's see the next paragraph. I thought if long won, it would add some new support to the Nazis Aryan superiority theory. I thought, मैंने सोचा, if long won, यानी मैंने एक विचार अपने दिमाग में सोचा, it will add some new support to the Nazis Aryan. Nazis क्या है? एक तरह की यहाँ पर जनजाति है, जनजाति यानी एक तरह की जाति है। इससे क्या होगा, जब वो जीत जाएगा, जो उसकी जाति है, जो आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी है, जो उसकी जाति का सिद्धांत था, उसके सिद्धांत में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा कि जो जर्मनी के लोग हैं वही श्रेष्ठ हैं अगर Luglong जीत जाता है। ऐसा उनका जो सिद्धांत था उसके बारे में उसने सोचा। एक सम न्यू सपोर्ट माने एक नया आधार उन्हें मिल जाएगा।
आफ्टर ऑल माने खैर फिर भी आई एम अ निग्रो, मैं एक निग्रो था, निग्रो का निग्रो एक जाति होती है, एक हफ्सी जाति होती है, मैं एक निग्रो था। अ लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वेज आई डिटरमाइन टू गो आउट देयर एंड रियली शो अ लिटिल एंग्री, यानी मैं मुझे बड़ा गुस्सा आया एट अ हिटलर वेज, यानी हिटलर के इस रास्ते पर, क्योंकि हिटलर ने जो है इस व्यक्ति को छिपा के रखा था। आई डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चय करना, टू गो आउट देयर, मैंने वहां जाने का निश्चय किया, एंड रियली शो और मैं दिखाना चाहता था, डर फ्यूरर, डर डर फ्यूर, फ्यूरर यहाँ पर हिटलर के लिए आया है, डर फ्यूरर एंड हिज मास्टर रेस हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट, यानी मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं हिटलर के पास जाऊं और उसे दिखाऊं हिज मास्टर रेस, उसकी रेस के बारे में कि कौन कौन जो है असली रेसर है, कौन जो है अच्छा खिलाड़ी है, वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट, कौन अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ये विचार उसके दिमाग में आया और वो जो है हिटलर को बताना चाहता था कि कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है। नेक्स्ट स्टेंज है एन एंग्री एथलीट, एथलीट का मतलब खिलाड़ी होता है, एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक एज एनी कोच विल टेल यू आई वाज नो एक्सेप्शंस ऑन द फर्स्ट ऑफ माय थ्री क्वालिफाइंग जंप्स I leaped from several inches beyond the takeoff board for a no jump. On the second jump, I was even worse. Did I came 3,000 miles for this? I thought better to fail in the trials and make a fool of myself. Means an angry athlete. यानी जो एक क्रोधित खिलाड़ी होता है, जो खिलाड़ी गुस्से में होता है, इज एन एथलीट्स हु विल मेक मिस्टेक, यानी वो खिलाड़ी हमेशा गलती करेगा, यानी जो खिलाड़ी गुस्से में होगा उसका दिमाग संतुलन में नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ गलती कर बैठेगा, एज एनी कोच विल टेल यू, कोई भी कोच आपको बता सकता है इस बारे में। आई वॉज नो एक्सेप्शन, और मुझे इस बात का स्पष्ट रूप से पता था क्योंकि मैं एक बार गलती कर चुका था। On the first of my three qualifying jumps, यानी जब मुझे ट्रायल के लिए बुलाया गया तो मेरे जो तीन जंप थे, first three qualifying jump में से जो मेरा first jump था, I leaped from several inches beyond the takeoff board for a no jump, यानी जब मुझे पहला मौका दिया गया उछलने के लिए, छलांग लगाने के लिए, तो मैं जो beyond the takeoff, यानी जहां से मुझे कूदना था उससे मैं पहले ही कुछ दूरी से कूद गया और वो नो जंप हो गया, यानी वो मेरा पहला प्रयास बेकार हो गया। ऑन द सेकंड जंप, जब मुझे दूसरे जंप के लिए बुलाया गया, आई वाज इवन वर्स, तो मैंने उससे ही बुरा किया, यानी मेरे दोनों जंप वो बेकार हो गए। डिड आई केम 3000 मील्स फॉर दिस, आई थॉट बेटर, यानी मैंने सोचा, मैंने बुरी तरह सोचा, मैं बहुत दुखी हो गया कि क्या मैं 3000 मील से इसलिए आया था यहाँ पर, टू फेल द ट्रायल्स, ट्रायल्स में फेल होने के लिए आया था, एंड मेक अ फूल माई सेल्फ, और अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए आया था, ऐसे विचार उस खिलाड़ी के बीच में आने लगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, पिट का मतलब वो स्थान होता है जहां पर छलांग लगाते हैं, आई किक डिस्कस्टेडली एट द ग्राउंड, सडनली आई फेल्ट a hand on my shoulder. I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. He had easily qualified for the finals on his first step. He offered me a firm handshake. Means walking a few yards, कुछ दूरी पर चलते हुए, few yards का मतलब कुछ कदम चलते हुए, from the pit माने उस स्थान से जहां पर वो ट्रायल्स कर रहे थे, जहां वो प्रैक्टिस कर रहे थे कूदने की, वहां से कुछ दूरी पर चलते हुए आई किक्ड डिस्कस्टली एट द ग्राउंड, यानी मैंने किक एक अपना पैर मारा, डिस्कस्टली माने गुस्से में आकर, एट द ग्राउंड जमीन पर, यानी जमीन पर आकर मैंने अपनी एक ठोकर मारी, सडनली माने अचानक, आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, अचानक उसने कुछ महसूस किया अपने शोल्डर पर,
I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. Means I turned to look, मैं देखने के लिए मुड़ा into the friendly. Friendly माने मित्रता पूर्वक. Blue eyes of the old tall German long jumper. यानी जब मैं मुड़ा तो जर्मनी का जो लॉन्ग जंपर था, जो लंबी छांग लगाने वाला था, जिसकी आंखें नीली थी, वो मेरे पीछे खड़ा था. उसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था. He had easily qualified for the finals on his first stamp. यानी उसने easily बड़ी आसानी से qualify का मतलब पास कर लिया था the finals on his first stamp. यानी अपने पहले प्रयास में वो final के लिए qualify हो गया था. अपने पहले ही अभ्यास में उसने जो उसका ट्रायल्स हो रहा था, अपने पहले ही अभ्यास में वो फाइनल में खेलने के लिए क्वालिफाई हो गया. ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंडशेक. यानी उसने मुझसे क्या करा, हैंडशेक करा. उसने मुझसे बड़े प्यार से हाथ मिलाया. जेसी ओवंस, आई एम अ लूज लॉन्ग, आई डोंट थिंक वी हैव मेड. ही स्पोक इंग्लिश वेल थो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट. मींस जेसी ओवंस, आई एम लूज लॉन्ग, आई डोंट थिंक वी हैव मेड. जो लूज लॉन्ग था उसने कहा जेसी ओवंस, यानी जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, जेसी ओवंस, जो कि वहां पर खेलने के लिए आया था. आई एम ए लूज लॉन्ग, मैं लूज लॉन्ग हूँ जेसी ओवंस. आई डोंट थिंक वी हैव मीट, मैं नहीं सोचता कि हम पहले ही मिल चुके हैं. ही स्पोक इंग्लिश वेल, उसने बड़ी ही अच्छी इंग्लिश बोली, यानी उसकी भाषा बहुत अच्छी थी, वो अच्छी इंग्लिश बोलता था. थो विद अ जर्मन ट्विस्ट डू इट, यानी जैसे जर्मन के लोग बोला करते थे वो उनसे एक अच्छी भाषा बोला करता था. ग्लैड टू मीट यू आई सेड, मैंने कहा ग्लैड टू मीट यू, यानी मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई. जैसी ओवंस ने भी कहा कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई. ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, नर्वसनेस का मतलब घबराहट, यानी अपनी घबराहट को छिपाते हुए जैसी ओवंस ने भी कहा कि मुझे आपसे खुशी हुई. आई एडिड, मैंने आगे कहा हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं. ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं. इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, जो इसके भारी वर्ड्स मीनिंग है उन्हें आपको याद भी करना है. दैट्स ऑल एंड थैंक यू.